हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, आरआरबी कोलकाता में दो अपडेट आया हुआ है, जिसमें तीन कह सकते हैं। एक तो पैरामेडिकल का है, पहला आपका कह सकते हैं एलपी का है, और दूसरा आपका जेई वाला का रीमेडिकल का फाइनल अपील के लिए आया है। एलपी में आपका आईटीआई टेक्नीशियन पैनल का कोरिजेंडम आया हुआ है, जिसमें पहले कुछ और अलॉट हो गया था, उसको बाद में करेक्शन किया गया है, और जनरली ये सारे लोग ओबीसी के हैं, यानी ओबीसी का चेंज हुआ है तो जनरली हो सकता है इनका क्वालिफाई यूआर में किया गया होगा या उसी कैटेगरी के अपर हायर प्रायोरिटी में किया गया होगा। उसके बाद आपका जेई के लिए रीमेडिकल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट को अपील करने के लिए आया है। जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से तो ये बहुत काफ़ी संख्या दिख रहा है, साथ में पैरामेडिकल का एक पोस्ट आया है। तो इसको देखने के लिए हम चलेंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट ये है आरआरबी कोलकाता का। आरआरबी कोलकाता के वेबसाइट पे देखिए, कल के तारीख में 24/1 में तीन अपडेट आया हुआ है। पहला 3/18 से ऊपर से अगर देखेंगे तो पहले पैरामेडिकल का, जिनका प्रोविजनल पैनल दिया गया है एचएमआई का। दूसरा आपका आईएलपी टेक्नीशियन वाले में टेक्नीशियन पैनल का एक कोरिजेंडम है, जो 10 और 16 तारीख का पैनल आया था। और थर्ड आपका अपील अगेंस्ट फॉर डिसीजन डिविजनल मेडिकल बोर्ड फॉर फ्री मेंबर मेडिकल कमेटी के लिए। तो तीनों का एक एक करके देखेंगे, तो हम दो को देख लेते हैं, या एलपी और आईजेई वाला का। पैरामेडिकल वाले तो आप देख ही लेंगे, तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले आईटीआई वाले टेक्नीशियन की बात करते हैं। जो कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ था 10 और 16 तारीख का पैनल, उनमें सुधार किया गया है, कोरिजेंडम किया गया है, और कह सकते हैं बदलाव किया गया है, जिसमें पहले कैंडिडेट का देखिए, पहले ओबीसी से सारे कम्युनिटी के ओबीसी हैं और फिर से अलॉटेड ओबीसी में ही हुआ है, तो यानी इनको हायर पोस्ट प्रायोरिटी दिया गया। साथ में देखिएगा, पहले देखिए यहाँ पे आप देखिए 54 पहले अलाउड था, बाद में अलाउड करके 52 कर दिया गया। जो कैंडिडेट को पहले 52 था उनको 126 कर दिया गया। 52 से कैटेगरी नंबर फिर से 52 में ही सीरियल नंबर चेंज हुआ, 7 से 1 आ, पहले सीरियल नंबर 9 था, सीरियल नंबर 1 यानी ऊपर की तरफ गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन दो कैंडिडेट के साथ सेटबैक है, पहले पैनल में नाम दे दिया, अब स्टैंड बाई में डाल दिया, यानी वेटिंग क्लियर होने के बाद फिर से वेटिंग में ही डालना, यानी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम रही होगी। उसके बाद अगली बात करेंगे तो जो आपका दूसरा है जेई के लिए, तो जेई की बात करेंगे तो जेई में बहुत बड़ी सेटबैक है, जिसमें टोटल आप कह सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिस्ट में दिया हुआ है, जिनको फाइनल अपील करने के लिए बोला गया है। डेट दिया हुआ है 18/11 से 20/12 तक आप अप्लाई करने वाले जो थे कैंडिडेट, जो मेडिकल हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद इन्हें जो पाया कि उनको जो मेरिट कैटेगरी थी उनके अनुसार से थोड़ी बहुत डिविएशन है मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मेडिकल रिक्वायर यहाँ पे है, फिट इसमें है और मेडिकल अनफिट इसमें है, ये सारा कंडीशन दे दिया है एक एक करके। तो मैक्सिमम लोग ए थ्री में ही अनफिट होंगे, ये तो दिखता ही है, सब लोग जानते हैं, एलपी में, A1 में और जेई वाले में, ए थ्री में मेडिकल अनफिट ज़्यादा होते हैं, बाकी कंडीशन इनका है। अगर पोस्ट प्रायोरिटी में आपको ये बनता है तो आपको ये पोस्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आपने पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से अगर आपने पहले सेलेक्ट किया है तो सभी कैटेगरी में एक एक कैंडिडेट हैं, और ये सीरियल नंबर बहुत बड़ी लिस्ट है, देख सकते हैं जितनी वैकेंसी जेई की है उसके अनुसार से, तो ये बहुत परसेंटेज में कह सकते हैं, ये पूरी लिस्ट बहुत लंबा है, और कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सेटबैक है। और उसमें देखिए बहुत सारा कैटेगरी का यहाँ पे आपका पूरा पैनल दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि जिनका पोस्ट प्रायोरिटी है उनको अच्छी से उनके पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, ये दो अपडेट है, और तीसरा अपडेट अगर आप देखना चाहेंगे तो ये प्रोविजनल पैनल है एचएमआई का, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये भी आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें एक लोगों का नाम है केवल यूआर से, जो आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है। तो ये डिटेल था, तीन डिटेल जो